मैं आश मित्तल सारथी एजुकेटर दे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਨਿਊ ਬੈਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ 7744001240 ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 7744100400 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਰੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ सारथी एजुकेटर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो उनके सारे जो है कंसैप्ट प्रॉपर ही उनके प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर सब कुछ मिल जाएगा ठीक है बच्चे अज आप गल कर रहे हैं एनटीटी की रिगार्डिंग एक टॉपिक मैं तुम्हें जो है मैं आश मित्तल मैं तुम्हें एनटीटी के साइकोलॉजी जो 60 मार्क्स का काम है उन्होंने उस टॉपिक उन्होंने 60 मार्क्स के काम को मैं करवावगा ठीक है अज आप एनटीटी के फर्स्ट टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट क्लियर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट के बारे आप डिस्कशन कर रहे हैं कि ग्रोथ की होंगी है डिवेलपमेंट की होंगी है किस तरह आप इंप्लीमेंट करते हैं क्लियर तो देखो पहला ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट करने तो पहला आप समझते हैं पहला एक वर्ड ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट करने तो पहला असी समझते हैं पहला साइकोलॉजी बारे क्योंकि देखो ओवरऑल सारा कुछ है तो साइकोलॉजी ना ओवरऑल सब कुछ आता साइकोलॉजी के चीज है तो आप पहला समझते हैं कि जी साइकोलॉजी की है साइकोलॉजी के आप किस तरह ने यूज करते हैं कि इन मतलब है कितों लिया गया जो तुम यही ना पता होगा साइकोलॉजी बारे तुम क्लीयर ना होगा तो ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट उन्ना वजिया तरीके नहीं समझ पाओगे उन्ने वजिया तरीके उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो देखो सब तो पहला समझो साइकोलॉजी के बारे तो साइकोलॉजी जो है दो शब्दों के मेल तो साइकोलॉजी जो है दो शब्दों के मेल तो बनया कि साइको साइकी सॉरी साइकी प्लस लॉगस साइकी प्लस लॉगस बच्चे एक गल थोड़ी याद रखो साइकोलॉजी के कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होंगे मतलब तुसी ना इन लकीर के फकीर नहीं हो सकते ठीक है ये 60 मार्क्स एड करने का मतलब की यह है कि तुसी चीजा नू अंडरस्टैंड कर सको हूँ तुसी देखो नॉर्मली समझो एनटीटी का तुसी कोर्स किया ठीक है एनटीटी तुसी बच्चा नू पढ़ाओगे किन्ने तो किन्ने साल के होंगे बच्चे जीरो तो सिक्स ईयर के बच्चे होंगे ठीक है ना तो मतलब आंगनवाड़ी जीरो मतलब तीन तो छह साल के बच्चे तुहाडे लई होंगे पर आप बेसिकली सारी चीज नू इंक्लूड करते हैं आप एनटीटी में जीरो तो लैके सिक्स तक सारिया बच्चों की एक्टिविटी मूवमेंट को समझांगे ठीक है हुण तुहाडे कोल बच्चा किस लैवल का आएगा थ्री टू सिक्स लैवल का तीन तो लैके छे साल जरा कि जरा कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंप्लीमेंट किया गया एनटीटी बारे ठीक है अर्ली चाइल्डहुड जी अपनी बनाई गई है जो है प्राइमरी एजुकेशन तो पहला अर्ली प्राइमरी एजुकेशन जी शुरू की गई है वो आप गल कर रहे हैं तीन तो लैके छे साल की ठीक है तो हम साइकोलॉजी को पहला क्यों ऐड किया गया क्यों साइकोलॉजी को एड्डा वड्डा मात्रा के इन्ने 60 मार्क्स सिर्फ साइकोलॉजी उत्ते गए पहला इस गल समझो क्यों क्योंकि साइकोलॉजी बच्चा देखो हम बच्चे ने बोलना नहीं समझना है ठीक है बच्चा बोल के नहीं दसेगा बच्चा करके बच्चा तुम यह नहीं कहेगा मैं प्रॉब्लम है बच्चे अंडरस्टैंडिंग कि समझ सकते हो कि टाइम तेन की लोड है किस तरह की लोड है वो तुम देखना असी इस चीज करके चीज पहला सिखाने लिए मैथड तक सिखाने लिए ही साइकोलॉजी के वे पार्ट को इंप्लीमेंट किया गया एनटीटी के कोर्स के एनटीटी के सिलेबस के ठीक है तो आप गल कर रहे हैं पहला एक चीज तुम दस रहा कि कदे भी लकीर के फकीर ना बनियो कदे भी साइकोलॉजी भी लकीर के फकीर ना बनियो कि जी जी गल कहती उ एज इट इज पेपर होगी कोई जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि एज इट इज वो तुम चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी मतलब हमेशा आप अल्टरनेट अपना अल्टरनेट तुम लेके चलना ही पड़ेगा कि यह ना होया तो की होगा ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ऑप्शन बदल गई ऑप्शन बदल गई आंसर बदल गया ठीक है मैं तुम्हें यह चीज ना ना करवा करवा रहूंगा कि देखो जी आ ना आया तो आ गया तो की करोगे आ रही जगह से आ जगह चीज आ गई तो की करोगे आप चीजों को भी डिस्कस करा क्लियर तो अब आप हम पहला जो टॉपिक कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको पहला आप साइकोलॉजी समझ रहे हैं उसको समझते हैं कि साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल तो बने साइकी प्लस लॉगस सब तो पहला
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਕਅਪ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਈਕੋ ਪਲੱਸ ਲੋਗਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਈਕੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਟੌਪਿਕਸ ਬੁੱਕਸ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਬੁੱਕਸ ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਰਾ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਗਸ ਜਾਂ ਸਾਈਕੀਲੋਗਸ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਮੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਮੋੜ ਸਭ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਆਏ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਗਾ, ਆਏ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁੱਕਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਿਨ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗ੍ਰੀਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਟਿਨ ਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 70-80% ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, 100% ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕੀਲੋਗਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਕੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ, ਆਤਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਲ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਲ, ਕਲੀਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ, ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਅਰ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਾਰਮਨੀ, ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਕਲੀਅਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਲ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮਾਇੰਡ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਟਸਨ
मैकडूगल किने क्या वॉटसन ते मैकडूगल इन्होंने की क्या कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर या साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर ठीक है तो स्टडी ऑफ बिहेवियर का मतलब की है स्टडी ऑफ बिहेवियर का मतलब की है कहते साइकोलॉजी की है जो आपस इंटरैक्ट करते हैं जो आपस कम्युनिकेट करते हैं डिस्कशन करते हैं सानू समझते हो सानू समझते हैं हौली 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 तुम एक दूजे जो समझ आप एक दूजे समझने की कोशिश करते हैं तो वह की है अपनी साइकोलॉजी आप साइको क्योंकि एक देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा कि ना तो एक दिन तुम सानू समझ सकते हो ना अं एक दिन तुम समझ सकते हैं ना तो मैं पता मैं पता लग सकता है कि तुम चाहते की हो किस तरीके पढ़ना चाहते हो ठीक है ना तो समझ आ सकती है कि सर किस तरीके सू पढ़ा रहे हैं या सू किस तरह मैं गल कह जिमें जिमें लैक्चर निकलने जिमें जिमें अपनी डिस्कशन होएगी तुम मेरे लैक्चर सुनोगे मैं थोड़े व्यू सुनूंगा थोड़ा बहुत तुम मेरी समझ आनी शुरू होएगी तुम लगना होगा कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं सर मेरी समझ आ रही है ठीक है मैं तुम समझांगा मतलब मैं समझांगा कि नहीं बच्चा ना इस तरह ना पढ़ना चाहता है बच्चा ना एग्जाम्पल ना पढ़ना चाहता है बच्चा ना राइटिंग वे के ज्यादा लेना चाहता है बच्चा ना इस तरीके दैट मीनस जिमें जिमें इंटरेक्शन होएगी जिमें जिमें कम्युनिकेशन होएगी उमें उमें आप एक दूसरे के बिहेवियर को समझांगे यही बेसिकली साइकोलॉजी है यही बेसिकली आप गल करते हैं साइकोलॉजी थोड़े ना सिलेबस के टॉपिक का नाम दिता गया ठीक है चाइल्ड साइकोलॉजी ठीक है तो हम तुम्हारे दिमाग कंसैप्ट आता होगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी की है तो बच्चे इन्हों शाखा है ब्रांचिज है साइकोलॉजी दी कि दो ब्रांचिज करते हैं प्योर अपलाइड ठीक है प्योर से अपलाइड प्योर साइकोलॉजी कही होंगी है जिसे आप सारे नॉर्म्स टर्म प्रिंसिपल हर चीज जी आप डिवेलप करते हैं प्योर साइकोलॉजी मीनस जिसे आप नॉर्म्स टर्म्स कोई कंडीशन कुछ भी डिवेलप करते हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी है इज अ पार्ट ऑफ प्योर साइकोलॉजी मतलब यदा एक पार्ट है ठीक है ना चाइल्ड साइकोलॉजी जी हैगी है वह कि पार्ट है प्योर साइकोलॉजी जिसे आप किसी भी नॉर्म्स टर्म्स डिवेलप करते हैं अपलाइड साइकोलॉजी मतलब क्या होता है अपलाइड साइकोलॉजी का मतलब की है जो आप जो प्लैन बनाए है ठीक है उन्होंने किसी ना किसी फील्ड फील्ड विच की करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं की कर दें जो आप किसी ना किसी फील्ड इंप्लीमेंट कर दें तो वह साड़ी की बन जाती है अपलाइड साइकोलॉजी की बन जाती साड़ी अपलाइड साइकोलॉजी ठीक है मतलब असी किसी मतलब जो भी तुम जो डिफरेंशिएट करना होया अपलाई ते प्योर दे विच जो फील्ड आएगी कोई जिम्मे मैनेजमेंटल साइकोलॉजी होगी ठीक है एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी मेडिकल साइकोलॉजी होगी क्लिनिकल साइकोलॉजी होगी जो भी तुम आया कि तुम तुम किसी फील्ड की गल हो रही है तो तुम की गल करोगे अपलाइड साइकोलॉजी का पार्ट है जो नॉर्मल नॉर्मल साइकोलॉजी अब नॉर्मल साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी जो तुम इस तरह के वर्ड याद करोगे तो मतलब यह याद रखना है कि पार्ट है प्योर साइकोलॉजी तो एक बेसिक टर्म तुम थोड़ा जा बेसिक समझ आ गया होगा कि साइकोलॉजी की है ठीक है चलो हम आप गल करते हैं अपने टॉपिक ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट बच्चे हम आप कहेंगे कि ग्रोथ एंड याद रखियो साइकोलॉजी के हर एक कंसैप्ट का एक मतलब है हर एक टॉपिक हर एक कंसैप्ट हर एक वर्ड का एक मतलब है ठीक है ना ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट देखो हम जो मैं पहला पूछा कि ग्रोथ की होंगी है ठीक है ना आप डिफरेंशिएट की गल नहीं कर रहे ग्रोथ की हो रही है कि जो मेरी बॉडी दे विच परिवर्तन आ रहे जो मेरी बॉडी दे विच परिवर्तन आ रहे ने जिन्हों मैं देख क्वांटिटेटिव तरीके नाल देख पा रहा पर इना देख पा रहे वाला कंसेप्ट एक लेवल तक तो ठीक लगता है ठीक है पर मैं प्रॉपरली कहाना कि मैं जो ग्रोथ नूं कहां इन देख सकते हैं इन नहीं देख सकते बच्चे यह कंसैप्ट नहीं है इंटरनल ग्रोथ भी तो होंगी है जे मैं ग्रोथ की गल करा इंटरनल कि ग्रोथ देख ली मैं जो मैनों करके मैं बाहर ही दिखाई दे रही है ठीक है पर बेसिकली आप उस टर्म से चलते हैं ग्रोथ मतलब की होंगे कि मेरे फिजिकल आसपैक्ट होने वाला वाधा मेरा हाइट बढ़ रहा है मेरा वेट बढ़ रहा है दैट मीनस भवान इंटरनली बढ़ रहा है भवान इंटरनली पार्ट से इंक्रीज होना बढ़ रहा है भवान एक्सटरनल करके बढ़ रहा है जिदे करके जिन मैं क्वानिटेटिव मेजर कर पा रहा ठीक है जिन्होंने मैं प्रॉपरली मेजर कर पा रहा मैं कहूंगा ग्रोथ ठीक है तो ग्रोथ की हो जाएगी मेरे फिजिकल आस्पेक्ट मेरा की होगा फिजिकल आस्पेक्ट्स विच
होन वाला वादा। समझ के मेरी गल? आपां ना देखो हुण कंसैप्ट कईआं दे दिमाग दे विच, कई बार ना जिवें असीं पढ़ा रहे हां तां सानूं कमेंट्स आ जांदा, सर तुसीं क्या सीगा ग्रोथ की हुंदी है जिहनूं देखिआ जा सकदा है, तां जी इंटरनल ग्रोथ नहीं हुंदी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बच्चे देखो मैं पहला तुम्हें इसे करके क्लियर करता कि ग्रोथ इंटरनल ते एक्सटर्नल दोनों तरह की होती है, पर इंटरनली ग्रोथ के कारण भावें ग्रोथ इंटरनली हो रही है भावें एक्सटर्नली, भार तो मेरा वध ही है ना, हाइट तो मेरी वध ही रही है ना, ठीक है, जिन्होंने मैं देख पा रहा इस कंसैप्ट देख पा रहा उन्होंने इस कंसैप्ट बोलिया, समझ गए ना, कि वो यह कह रहे हैं कि ग्रोथ जी सिर्फ एक्सटर्नल होती है, नहीं एक कोई कंसैप्ट नहीं, ग्रोथ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होंगे। ग्रोथ का कंसेप्ट समझ आ गया, मेरी हाइट आ जाएगी, मेरी एज आ जाएगी, ठीक है ना, सॉरी हाइट आ जाएगी, मेरा वेट आ जाएगा, वो सब कुछ की मेरी ग्रोथ है। नेक्स्ट अब हम गल कर रहे हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की होता पंजाबी विकास, डेवलपमेंट की है विकास। हुण डेवलपमेंट की है तो देखो डेवलपमेंट की है, आप ग्रोथ गल कर रहे थे सिर्फ फिजिकल आस्पेक्ट में होने वाला वाधा, ठीक है, पर जो आप गल करते हैं डिवेलपमेंट, डिवेलपमेंट के विच की है सारे पक्षों के विच, होलिस्टिक डिवेलपमेंट सारे पक्षों के विच, सारे पक्षों या आस्पेक्ट्स या सारे आस्पेक्ट्स विच होने वाला वादा। मतलब देखो जो वर्ड यूज हो गया डिवेलपमेंट, जो वर्ड यूज हो गया डिवेलपमेंट, तो डिवेलपमेंट का मतलब समझ लो कि डिवेलपमेंट एक बहुत वड्डा कंसैप्ट है, बहुत वाइडर कंसैप्ट है, ठीक है, इहदे विच छोटे छोटे बहुत कंसैप्ट है, इमोशनल डिवेलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल डिवेलपमेंट, लिंग्विस्टिक डिवेलपमेंट, फिजिकल डिवेलपमेंट, ये जिहड़े सारे की है एक छोटे छोटे इहदे पार्ट्स है। तो हुण कई बार बच्चों के दिमाग में कुछ आता है कि सर फिजिकल की गल इहदे विच भी कर रहे हैं, फिजिकल की गल इहदे विच भी कर रहे हैं, तो यह की मतलब होया, ठीक है, तो बच्चे याद रखियो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डिवेलपमेंट, ग्रोथ जिहड़ा हैगा डिवेलपमेंट का ही एक पार्ट है, डिवेलपमेंट का ही एक छोटा पार्ट है ग्रोथ, ठीक है, पर एक चीज हो रहा है ग्रोथ से विच मैं सिर्फ साइज नू देख रहा हूं, हाइट नू देख रहा हूं, पर जदों मैं डिवेलपमेंट की गल करूंगा तो मैं नाल ये भी देखांगा कि ठीक है फिजिकल डिवेलपमेंट की मैं गल करूंगा तो फिजिकल डिवेलपमेंट के विच मैं सिर्फ हाइट ते साइज नहीं देखूंगा, ठीक है, फिजिकल डिवेलपमेंट विच मैं ये भी नाल देखांगा कि जिहड़ी बच्चे की हाइट वधी, जिहड़ी बच्चे की जिहड़ी हैगी है ग्रोथ हुई, ठीक है, उसका बेनीफिट कितना ले रहा बच्चा, ठीक है, मान लो मैं कहां मेरा 70 किलो वेट है, ठीक है, तो मैं 70 किलो जो वेट है यूटिलाइज कितने कर रहा, मेरी 6 फुट हाइट है मैं यूटिलाइज कितने कर रहा, वह सब कुछ मेरा कि आएगा डिवेलपमेंट। तीसरी गल जो तक क्वेश्चन आ जाता है कि जी कि आप किसी एक आस्पेक्ट के किसी की डिवेलपमेंट मैजर कर सकते हैं, अगर नहीं बच्चे याद रखियो कदे भी आप किसी एक पक्ष को देख के बच्चे की डिवेलपमेंट मैजर नहीं कर सकते, सानू सारे पक्ष देखने पैणगे, जे सारे पक्ष देखांगे तां ही असीं समझ सकते हैं कि केड़ा बच्चा कितना डिवेलप कर रहा है, किवें डिवेलप कर रहा है, आप फिर देख सकते हैं। तो यह बेसिक मीनिंग ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, ठीक है, ये देखो हम आप थोड़ा जहा इन डिफरेंस को समझते हैं, ये डिफरेंस में करने की कोशिश करते हैं, बट ना एनटीटी काफी टॉपिक्स नवे एड किए गए जिवें डिफॉर्मिटीज वाला हो गया, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन कंसैप्ट हो गया, कुछ टॉपिक्स ये ने जो बहुत ही ज्यादा सिंपल, मतलब ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट कंसैप्ट आप कर रहे हैं, ये नाल ही मेरे दो तीन कंसैप्ट हो जाएंगे कि जी पेरेंट आप ही आप इस बाद कंसैप्ट होगा ना सोशलाइजेशन, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट काफी आप समझ आ जाएगी, ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट समझ आ गई तो सोशलाइजेशन समझोगे, सोशलाइजेशन समझ आ गया तो पेरेंट्स का रोल समझोगे कि पेरेंट्स का रोल की है डिवेलपमेंट के, ठीक है, तुम समझोगे बच्चा किवें जो आप टाइप्स करांगे तो समझ आ जाएगी कि बच्चा किवें प्ले वे मैथड नाल लर्न करता है, प्ले का की रोल है बच्चे की लर्निंग के, बच्चे देखो ये सारे कंसैप्ट एक दूजे नाल जुड़े हुए, आप इन्हां कंसैप्ट नूं किवें करांगे स्टेप बाय स्टेप, जिवें जिवें आप कंसैप्ट कर रहे हैं उस तो बाद पहला तो मान लो मैं ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट कर रहे हैं तां तुहानूं इहदे विच थ्यूरीआं भी करवाऊंगा मैं, ठीक है, रिलेटेड जिन्हें भी कंसैप्ट हो गए जिन्ना भी टॉपिक्स ए संबंधित हो गए जिम्मे सोशलाइजेशन हो गया, ठीक है, पेरेंट्स का रोल हो गया, प्ले का रोल हो गया बच्चे की जी डिवेलपमेंट के,
ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੂਗਾ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਸੁਣਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ डिफरेंस को समझते हैं इस तरह लाइन लगा लेते हैं ठीक है तो हम आप बेसिकली फटाफट जो पहले नॉर्मली कॉमन पॉइंट्स है उन्होंने समझते हैं तो पहला क्यों हो गया अपना पहला आपको पता लग गया कि ये पार्ट है जी तो पार्ट है ना कि पार्ट है डेवलपमेंट का तो यह होल है ठीक है ग्रोथ पार्ट है ये होल है बच्चे देखो कई बच्चों ना जे तुम कोई प्रॉब्लम आ रही है कि तुम इंग्लिश का इंग्लिश वैसे तो मैं देखो पंजाबी बोल रहे हैं सिर्फ लिख इंग्लिश चले ठीक है मेनू कमेंट सैक्शन दस दियो जे तुम लग्या कि नहीं सर सानू इत्थे भी पंजाबी लिखो तो मैं अगले लैक्चर दे विच तुहानू प्रॉपर पंजाबी पढ़ाऊंगा ठीक है पर फिर भी मैं ये एडवाइस करना है कि बच्चे ये चीजा नू इंग्लिश करो क्यों क्योंकि तुसी क्वेश्चंस करके देखियो पंजाबी दे विच क्वेश्चंस ना थोड़े जे मोल्ड अप कीते होंगे ठीक है तो जबकि जदों की इंग्लिश दे विच बहुत सिंपल साइकोलॉजी विच ना बहुत सिंपल इंग्लिश यूज करते हैं जब जदों की इंग्लिश दे विच एज इट इज क्वेश्चन नू पुछया जांदा तुहानू सिर्फ जे तुहानू थोड़ा जिहा भी इंग्लिश समझ आ रही है ना तो तुहानू कंसैप्ट बहुत जल्दी क्लीयर हो जाएगा पर एंट्री डी प्लस टू तो बाद बच्चे करते हैं ठीक है कई बच्चों का जिहड़ा हैगा इंग्लिश दे विच इन्ना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हुंदा उहनां दा तां मैनूं दस दिओ कमेंट सैशन दे विच कि सानूं ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਆਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ इन्हें सिंगल फैक्टर की गल करते हैं आप इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड क्या इंटीग्रेटेड की होंगे एकीकृत इकट्ठा और आप कह सकते हैं एक करते हैं मैजर करते हैं मैजरमेंट करते हैं मैज ऑब्वियस है ना कि आप मैजर करा हम बच्चे कंसैप्ट आता है कि इन्हों की करा फिर आप मेजरमेंट एवैल्यूएशन फर्क की है एवैल्यूएट या एवैल्यूएशन हुण तुसीं कहोगे कि सर एवैल्यूएशन या मेजरमेंट दे विच फर्क की है तो बच्चे देखो मेजरमेंट का मतलब जिथे वर्ड आ गया मेजरमेंट मतलब मैनू एक फिक्स नंबर एक इकाई दे रूप विच एक फिक्स नंबर दे रूप विच मैनू कोई अंक प्राप्त हो रहा है जिवें देखो मैं कहां ठीक है एग्जैक्ट अमाउंट मैनू मिल रही है वह मेरा मेजरमेंट जिवें मैं देखो कहां कि वेट कितना है 70 किलो 300 ग्राम मिल गया एग्जैक्ट मैं कहूंगा हाइट कितनी है 5.5 इंच 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 7 इंच एग्जैक्ट मिल गया मैनू तो उनके लिए वर्ड की यूज करते हैं मेजरमेंट ठीक है जे मैं गल करा हुण मैं डेवलपमेंट नू मेजर कर लूंगा तुसीं कह सकदे हो कि सर तुहानू तुहाडा लैक्चर 30% वधिया सी सर मैनू 50% आंदा है 40% मैनू सारी चीज आंदी है एग्जैक्ट वैल्यू दे सकदे हो कि ओह हमेशा सही होएगी समझ गए पर अपन इन की है डेवलपमेंट नु अपन जड़ा है मेजर नहीं कर सकते अपन इन की करेंगे एवैल्यूएट करेंगे एवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया जजमेंट मतलब हो सकता है मैं गलत हुआ हो सकता है मैं सही हूं उधर ही वर्ड यूज होगी एवैल्यूएशन नेक्स्ट देखो एक ही है एक क्वांटिटेटिव है क्वांटिटी देखते हैं मात्रा इंग्लिश की देखते हैं मात्रा क्वांटिटी देखते हैं ठीक है तो एक ही है एक क्वालिटेटिव भी है एक क्वांटिटेटिव भी है इन दे विच असीं मात्रा भी देखते हैं नाल गुण मैं तुहानूं पहले एग्जाम्पल दे के बैठे हैं कि मैं देख लिया कि बच्चे की फिजिकल डिवेलपमेंट हुई है ठीक है सॉरी फिजिकल ग्रोथ हुई है पर
फिजिकल डिवेलपमेंट दे विच मैं गल की करांगा कि उस ग्रोथ का यूज कितने कर रहे हैं, कितने उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने उन्हें यूज कर रहे हैं। जे मैं वह चीज देख रहा दैट मीनस मैं किसकी गल कर रहा, मैं गल कर रहा डिवेलपमेंट की। किसकी गल कर रहा, डिवेलपमेंट की। नेक्स्ट देखो, ग्रोथ जो है ना ये लीनियर है, ग्रोथ जो है ये लीनियर है। वैसे देखो जे मैं एक्चुअल जो तुम जो मैं बोला ये मैं तुम दस रहा, यह जी आप लीनियर वाली गल करते हैं तो यू आप बोलते हैं स्पायरल, यू आप बोलते हैं स्पायरल। एक्चुअल देखो जो तुम देखा जाए ना तो ना तो ग्रोथ लीनियर है ना डिवेलपमेंट लीनियर है। ठीक है, ग्रोथ भी स्पायरल है तो डिवेलपमेंट भी स्पायरल है, कितने घट कि पर इन आप बुक्स या आप नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट ने यह है ये प्रूव किया है कि ग्रोथ जी है ना जी लीनियर है, मतलब इको सीक्वेंस में चलता है। जो दो साल का बच्चा तो नहीं बोलता तो किसी का नहीं बोलना। ठीक है, जी डिवेलपमेंट है स्पायरल है, कितने वे घट कितने वे घट, ये की है स्पायरल है। तुम पेपर के क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ कि केड़ी चीज स्पायरल है केड़ी चीज लीनियर है, तो याद रखियो आप कहने ग्रोथ लीनियर है। ठीक है, लीनियर होंगे इको फ्लो, लीनियर होंगे इस तरह। ठीक है, ग्रोथ लीनियर है तो डिवेलपमेंट की है स्पायरल है। क्लियर। नेक्स्ट देखो इन्हें भी जो की कहते पे है, जेकर कहते किसी की ग्रोथ नहीं हो रही, जेकर कोई कोई ग्रो नहीं कर पा रहा, इसका मतलब इसका भाव यह नहीं है कि वह डिवेलप भी नहीं होएगा। देखो ध्यान गल समझो कि कहते जेकर किसी की किसी परसन की ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब मैं कह किसी की हाइट छोटी रहेगी, ठीक है किसी का वेट घट है, यहाँ मतलब यह नहीं कि वह डिवेलप भी नहीं करेगा, उनकी हाइट छोटी रही है, दिमाग नहीं छोटा रहा उनका। ठीक है ना, आज जो दिमाग छोटा रहना ये तुम मैं सारे डिफॉर्मिटीज कराऊंगा। तुम मैं ना तुम दो टॉपिक आने तुम इस रिलेटेड, तीन टॉपिक सॉरी, एक तो डिफॉर्मिटीज जिंदे आप दो तरह के डिफॉर्मिटीज करांगे, फिजिकल डिफॉर्मिटीज पोस्टर डिफॉर्मिटी, दूसरा आप गल करांगे जिहड़ा हैगा इंक्लूसिव एजुकेशन, उनके विच आप काफी प्रॉब्लम बारे समझांगे, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज बारे समझांगे। ठीक है, एक आप गल करांगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तुहाडा कंसैप्ट है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो आप भी काफी प्रॉब्लम बारे होर प्रॉब्लम बारे समझा। बच्चे इस तरह ना देखो आप असी टॉपिक्स ना बड़ा एक ध्यान नाल देखते हुए चीजा आपस में जोड़े। ठीक है, तो कि टॉपिक्स में शुरू करिए टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, कि टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे जिन्हों बच्चे समझना बहुत ईजी हो जाएगा, बच्चे याद करना जिद थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो मैं तुम्हें की समझा रहा कि ग्रोथ जी है, ग्रोथ जी है यह की है, जेकर किसी की ग्रोथ नहीं हो रही तो यह कोई मतलब नहीं कि डिवेलपमेंट नहीं होगी, मतलब डिवेलपमेंट हो सकती है, बच्चा डिवेलप कर सकता, हो सकता हाइट छोटी रहेगी, हो बच्चा बहुत इंटेलीजेंट बन जाए। ठीक है, पर जेकर किसी की डिवेलपमेंट नहीं हो रही, डिवेलपमेंट नहीं हो रही तो उसकी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं रह जाता। देखो जेकर मैं कहां कि कोई डिवेलप नहीं कर पा रहा, कोई बच्चे की डिवेलपमेंट नहीं हो रही, तो भवानी देखो मान लो मैं कह किसी मेंटल डिवेलपमेंट नहीं हो रही, तो हाइट भवान 6 फुट है, एक जिंदा लाश है। ठीक है ना, आप कहने ना कि कई बार की होंगे कि किसी अधरंग हो जाता है या कई बार जो कोमा चला जाता है, तो कोमा मतलब की है कि वो अपने सामने एक जिंदा लाश पई है हम बस। ठीक है, सह चल रहे हैं, होर बंदे कुछ नहीं है, तो यह की है, यह बेसिकली आप गल कर रहे थे ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट के बारे, आप बेसिकली गल कर रहे थे कि जी की ग्रोथ है तो की डिवेलपमेंट है। चलो आप हम एक होर गल करते हैं, अब आप बारे थोड़ा होर समझते हैं। आप मैं ना तुम तुम समझ पता होगा, पता तुम याद होगा, हम मैं पिछले तुम क्या कह रहा कि साइकोलॉजी वॉटसन के मैकडूगल ने की किया, स्टडी ऑफ बिहेवियर या साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस का मतलब की है इट इज अ सिस्टम, कि हर एक आप इस एक सिस्टम फॉलो करते हैं। तो हूं आप गल करते हैं फैक्टर, कि बच्चे गलत बहुत करते हैं फैक्टर। देखो बेसिकली वैसे मैं दो फैक्टर खत्म कर सकता गल, पहला की आएगा हैरिडिटी, पहला फैक्टर की आएगा हैरिडिटी, दूसरा की आएगा
एनवायरमेंट। ठीक है, पर बच्चे कई बार ना बच्चे गलती की करते हैं, और ना आंसर एनवायरमेंट लगा देते हैं। पहला कुछ ऑप्शन आता है कि जी कि फैक्टर्स है जेडे डिवेलपमेंट को प्रभावित करते, बच्चा ने आंसर लगा देता है जी ऑप्शन होती है ए हेरिडिटी, बी एनवायरमेंट, सी सी नाइदर ए नॉर बी, फोर्थ नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरह के मान लो ऑप्शन आ गए, ऑल ऑफ दीज है नहीं, बहुत ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो जो मान लो आप कुछ भी जो तुम इस तरह का आ गया, हमेशा सीखना चलना है, तो सब तो पहला आंसर पहला हेरिडिटी लगोगे ना कि एनवायरमेंट। पहला जन्म होएगा तो ही एनवायरमेंट जाओगे। बच्चे मेरी गल द्वारा ध्यान फॉलो करो, मैं तुम्हें एक सिस्टम समझा रहा, बहुत सिंपल है, मैं पता तो गलत नहीं करोगे, सब नु आता होगा। ठीक है, पर मेरी गलू मैं जो तुम जिस तरीके तुम समझाना चाहना है क्यों तुम दस रहे हैं, तो मतलब समझो कि जो भी आप फैक्टर्स की गल कर रहे हैं तो आप सीक्वेंस तो शुरू कर देंगे, अगर आप टाइप्स करनी है आप ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट दी टाइप्स करनी है, तुम ओ बड़ी बेनीफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप नॉर्मली गल करते हैं इनफेंसी पीरियड चाइल्डहुड पीरियड एडोलेसेंस अडल्टहुड, पर कई बार क्वेश्चन इस तरह पूछ जाते हैं जिसका आंसर क्या होता प्रेगनेंसी। हूँ जे मैं सिस्टम मैं सिस्टम समझ होएगा, जो मैं पता होएगा कि सिस्टम फॉलो करना है, किस तरीके का सिस्टम फॉलो करना है, तो मैं वो क्वेश्चन में गलती नहीं करा। तो देखो फैक्टर के लिए आप गल करते हैं, पहला फैक्टर क्या हेरिडिटी। ठीक है, पेरेंट्स का बहुत इफेक्ट करता है, मैं तुम्हें टॉपिक भी कराऊंगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट टॉपिक करवाऊंगा, जिसे मैं प्रॉपर समझाऊंगा, मेंडल लॉ करवाऊंगा, गेल्टन थ्योरी करवाऊंगा। सेकंड फैक्टर कहता है एनवायरमेंट। चलो ठीक है, जे मैं और गल करा, चलो जे मैं कह और एक्सप्लेन करो बस इन होर दसो एनवायरमेंट के की हो जाएगा, मेरी विलिंगनेस किस तरह की है, ठीक है मेरा इंटरस्ट की है, मैं करना चाहना है कि नहीं करना चाहता, विलिंगनेस दे विच आ गया, मेरी मेरी जी मेरे को डिसीज तो है नहीं, मेरी डाइट किस तरह की है, तो ये सारे फैक्टर भी है जो थोड़ी डिवेलपमेंट की करते हैं, डिवेलपमेंट की करते हैं इफेक्ट। अगे तो बच्चे आप डिस्कस किया, नॉर्मली आप डिस्कस किया ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, पहला आप समझा साइकोलॉजी बारे थोड़ा समझा, ज्यादा डिटेल च नहीं आप गए। ठीक है, जो असं प्रॉपर लैक्चर तैयार करा, प्रॉपर तुम जो लैक्चर मिलने उनके तुम हर एक टॉपिक अलग अलग टॉपिक पर्टिकुलर तरीके मिलेगा, सिस्टमैटिक तरीके मिलेगा। ठीक है, तो पहला आप जो फैक्टर आप पहला गल की, सॉरी पहला आप साइकोलॉजी बारे डिस्कस किया, साइकोलॉजी की है, कितों लिया गया, की बैकग्राउंड है, अज के समय साइकोलॉजी को कहते हैं ब्रांचिज की है। ठीक है, फिर आप गल की ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट की गल की, ग्रोथ का मतलब की है, डिवेलपमेंट का मतलब की है। ठीक है, आप दोनों डिफरेंस किया, आप फैक्टर की गल की, फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट डिवेलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स, अज लिए आप एक बार इना करते हैं, साडा लैक्चर पसंद आया हो तो जरूर एक बार लाइक करियो, कमेंट्स करो, जिन्ना भी बच्चों ने इनरोल होना हो लैक्चर्स के लिए इनरोल होना हो, एंटीट का बैच लैना हो, साडा नंबर दोबारा नोट कर लो 70412400, बहुत औखा नंबर है 70412400 पर कॉल करो किसी भी तरह की क्वायरीज ली, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ली। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुम देखो लैक्चर भी तुम कोई भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा प्रॉपर सोल्यूशन होगा, थोड़े लाइव लैक्चर हो गए जिंदे में थोड़िया हर हर वीक असं लाइव लैक्चर लिया करा, जिंद एक हफ्ते में जो कुछ करवाया गया डिस्कस होया करेगा, रिलेटेड जो तुम प्रॉब्लम आई जाएंगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम डिस्कस करा कि प्रॉब्लम है किमें, टेस्ट सीरीज नाल नाल चलती रहेगी, हर टॉपिक तो मैं टेस्ट देते रहेंगे, क्वेश्चन देते रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट लवेंगे हर असं अपने तरीके मंथ या सॉरी वीक या दो वीक तो बाद टेस्ट रखा करा, जिन्ना काम हो गया इस तरीके का सारा प्रोसेस चलेगा। थैंक यू।